दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर अपने दम पर खड़े हुए ना, कोई आपको गिराने वाला पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर दूसरों की सपोर्ट से बन गए ना, तो हर कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाएगा। मेरी दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है कि शौक रखना है ना, तो हुनर का रख, ऐस किसी और को करने दे, और जिंदगी में कुछ करना है ना, तो कुछ बड़ा कर, छोटा काम किसी और के लिए रहने दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता दूं, मेरा तबीयत खराब हो गया है, डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी अंदर जुनून बनाना होता है, हौसला को जगाना होता है, ठीक है, हौसला जगाना होता है। और बता दूं, यहाँ पे माइक नहीं है मेरे पास, पता नहीं आपका भुआएं सही से जा रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पे मेरे पास लाइटिंग का उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ दिन का मोहलत लिया है, कुछ दिन का टाइम लिया है, बहुत जल्दी हम यहाँ पे सब चीज का व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे जिंदगी बनानी होती है वो कभी बहाने नहीं बनाता, और जिसे लिखनी होती है खुद की तकदीर, खुद की नसीब, वो कभी कहानियां नहीं पढ़ाता। तो ठीक उसी तरह से हम भी यहाँ पे कोई कहानी, कोई बहाना नहीं पढ़ाएंगे कि लाइक मेरे पास माइक नहीं है, लाइटिंग नहीं है, ये सब नहीं है, यहाँ पे उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, ये सब मैं कुछ भी बहाना नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत कर लिया भाई। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले डाउट लिए हैं आदित्य श्रीवास्तव जी का, ठीक है। आदित्य श्रीवास्तव जी यहाँ पे आईडी नेम है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, लाइक क्वेश्चन किया, लेकिन उससे पहले एक और इन्होंने क्वेश्चन किया है, दूसरा स्टूडेंट जी है, लाइक इनका यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये सब बच्चे जो है ना एग्जाम कुछ दिए हैं, लाइक पेपर चल रहे हैं, तो एग्जाम में जो गलती करते हैं वो यहाँ पे हमसे डाउट करते पूछते हैं, क्लियर करवाते हैं, ठीक है। तो आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए, एक है लाका गेमर, इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा है लाका गेमर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है, सर अगर कॉपी में रोल नंबर गलत हो गया है तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा कि वो एमआर सीट से रिजल्ट आ जाएगा। इनका कहना है कि इन्होंने कॉपी में जो रोल नंबर दिया है वो गलत हो गया है, वो एमआर सीट वाला रोल नंबर सही है। हाँ, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, पेंडिंग तो नहीं ना होगा। देखिए, बता दूं आपको कि कॉपी जो है वो अलग जगह भेज दिया जाता है चेक करने के लिए, और वो एमआर सीट को अलग जगह मशीन में दे दिया जाता है चेक करने के लिए, भेज दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट लॉन्च होने से पहले, रिजल्ट अनाउंसमेंट होने से पहले, वो एमआर सीट को और कॉपी को दोनों को इकट्ठा किए जाते हैं, वहां पे सब चीज एकदम बारीकी से छानबीन करते हैं, किसका कौन सा है, किसका कितना, कौन कॉपी में कितना, वो एमआर सीट में कितना ऑब्जेक्टिव सही किया, सब कुछ बारीकी से डिटेल्स वहां पे देखते हैं, देन सब कुछ एकदम अच्छा से सजावट करके बना उना के एकदम रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हैं, रिजल्ट नेट पे अपलोड करते हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाएंगे लका श्री गेमर जी, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अब बात करते हैं, आदित्य श्रीवास्तव जी का कहना है, उससे और भी आगे है स्टूडेंट जी सब। देखिए, आदित्य श्रीवास्तव जी इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे कमेंट में, सर मैं बना बना कर लिख कर रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में, सताए मुझे सिर्फ पासिंग मार्क मिल जाएंगे, समय समय बहुत टेंशन में हूँ सर, मुझे सिर्फ पास होना, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। तो देखिए, पासिंग मार्क आपको उम्मीद से ज्यादा नंबर मिलेंगे, पहले हम बता दूं, आपको उम्मीद से ज्यादा नंबर मिलेंगे, आप सोच रहे हैं पासिंग मार्क हमको मिल जाए, हम बना बना कर लिख रहे हैं, आपको भाई ज्यादा नंबर मिलेंगे उम्मीद से बढ़कर, क्यों, क्योंकि आपने बना बना कर लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, लाइक क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास यहाँ पे, एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन बाई सॉरी क्वेश्चन पेपर आपके पास जैसा भी हो यहाँ पे रहता है कि अपने शब्दों में, हाँ अपने शब्दों में यहाँ पे रहता है, आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब कि क्वेश्चन पेपर खुद कह रहा है कि बना बनाकर उत्तर दीजिए। हाँ, बना बनाकर कैसे दिए जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में पढ़ाई क्या करते थे कि गाय पर निबंध लिखे, गाय पर लेख लिखे, स्कूल में बताया करते थे, तो वहां पे हम लोग लिखते थे भैया कि गाय एक, समझ रहे हैं ना, पालतू जानवर है, लाइक जो भी है, चौपाया जानवर है, लाइक जो भी है, मुझे नहीं पता, हम नहीं लिखते थे ये सब, ठीक है। गाय को चार पैर होते हैं, लाइक हम नहीं लिखते थे, हमको नहीं पता, लेकिन आपको अगर मालूम है, मिला मिला के लिखना, बना बना कर लिखना, लाइक अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर ये भी समझ नहीं आया, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो वहां पे हम लोग पढ़ाई क्या करते थे कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। हाँ, तो बहुत से बच्चे जी किताब में जो अलग थे, लेकिन अगर बना बना के लिखना है ना, तो बना बना कर ये लिखना है कि मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटते हैं कि ये नाखून बढ़ जाने से इसमें गंदगी रहने लगते हैं, और फिर जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जरिए, हाँ, हमारे मुंह के अंदर
शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें तरह तरह का बीमारी होने लगते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः मनुष्य साफ सुथरा रहने के लिए और बीमारी से बचने के लिए नाखून को बार बार काटता है। तो इस तरह से मिला मिला के बना बना कर लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिन्हें मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आए तो आप उसे बना बना कर लिख सकते हैं, या तो जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं उसी चैप्टर से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन याद है तो मिला मिला के लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ओम का नियम, तो ओम का नियम जिस चैप्टर से लिया गया है उसी चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, लाइक प्रतिरोधता, लाइक बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, तो जो आपको याद है मिला मिला के लिख देंगे, आपका काम बन जाएंगे। बहुत ही अच्छे से जानने के लिए इसी वीडियो के लास्ट में हम वीडियो दे देंगे आपको, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे देखिए है आयान खान का, आयमन खान का है, ठीक है। इनका कहना है, सर अगर सारा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बना कर लिखते हैं तो एग्जामिनर हमें फुल मार्क देंगे। देंगे यार, क्यों नहीं देंगे, इन्होंने लिखा है अच्छे से बना कर लिखते हैं तो फुल मार्क देंगे, लेकिन फुल मार्क ना सही, चलो एग्जामिनर सब टाइप का होता है, हाँ सब दिमाग के होता है, लेकिन अगर कोई पांच नंबरिया है, पांच मार्क का है, तो पांच में से चार आपको जरूर देंगे, सभी एग्जामिनर जीत देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जितेश वर्मा का, इन्होंने पूछा है कि जितेश वर्मा जी का, इनका कहना है सर छह क्वेश्चन दिया है उनमें से पांच बनाना बोल रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा बना दिया, मतलब छह के छह बना दिया, क्वेश्चन पेपर में छह क्वेश्चन दिए थे, छह का छह वो ये बना दिया है, पांच कह रहा था बनाना, तो क्या हमें नंबर मिलेगा, नंबर कट नहीं होगा, इनका ये पूछना है। तो देखिए ऐसे में नंबर कट नहीं होंगे, भले आप छह बना दिए, छह में से छह बना दिए, लेकिन पांच क्वेश्चन तक ही आपका चेक होंगे, पांच तक ही मान्यता देंगे, नंबर मिल जाएंगे आपको पांच क्वेश्चन तक का। तो चलिए आपका जो भी डाउट है जल्दी से कमेंट में बताइए, और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट हम दे रहे हैं, और इस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी विषय पास होने की ट्रिक सब कुछ यहाँ पे सीख लीजिए, सब कुछ बता दिया है, कल एग्जाम है तो क्या करें, सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके अपना मन च्वाइस वीडियो देख लीजिए।